आप नहीं पीता था सर, नहीं सर आप। तो आपका पालन पोषण कैसे होगा, कौन देखेगा? मेरा पास कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। सास ससुर? मेरे पास कोई नहीं है। गए थे हमको बोला, हाँ वो लेकर गए आधा रास्ता में, जो हॉस्पिटल में गए थे तो दो बार बोला, उसके बाद मेरे बेटी को गोदी में ले आओ, उसके बाद कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नहीं बोला, अंतिम बात भी आपसे नहीं कहा कुछ नहीं किया है, हमसे कुछ भी नहीं किया था, नहीं हुआ था, बस मेरा बेटी को काली गोदी में ऐसे पकड़ा और उसके बाद काली गाय की रिंकू अब दुनिया से जा रहा हूँ। गांजा पी के मस्त रहेला और कैसे, हां दोसर को कामे का बा, हां गांजा पी लिया तो जोन मन करे तो बक दी है, हां चौकीदार आते हैं पैसा लेने के लिए, शराब बेचते हैं लोग तो। अच्छा शराब माफिया से? हां हाल चौकीदार है कि यहां के जोजौली का है, वो सब आके लेते हैं लोग पैसा, हाल घरे घरे बीमार पर। चार आदमी जी जी को आदमी मर गई, चार आदमी मर गए चार आदमी बीमार बा। हां अभी हॉस्पिटल में जा रहल बलो, हां अभी कोई गिनती नहीं है जो कि जहरीली शराब का जो तांडव है लगातार बढ़ते जा रहा है, आंकड़ा 60 और 80 के बीच अभी अटका हुआ है, कुछ लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं और कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है, बहुत सारा तो बॉडी जो है प्रशासन लीपापोती कर रही है। लीपापोती कहने का मतलब ये है कि प्रशासन बिन पोस्टमार्टम किए ही जलवाने का प्रयास कर रही थी, जिस लेकिन लोग यहाँ के अब जागरूक हो गए हैं और एक ऐसे ही परिवार से आपको मिलाएंगे हम, जिस परिवार को ना तो आज तक इंदिरावास मिला है, देखिए ये आज भी झोपड़ी में रहते हैं और यहाँ के मुखिया जी से भी ये सवाल उठता है और मोदी जी तो कहे करते हैं कि हर घर झंडा हर घर तिरंगा, तो वो इसमें यहाँ इनका घर ही नहीं है। और यहाँ एक मजदूर जो है मजदूरी करता था, जीता था उसी पे, मजदूरी पे ही यहाँ पर आधारित था, ड्राइवर था, ड्राइवर ही करता था, उसी से पालन पोषण उनका होता था, लेकिन वो जहरीली शराब जिसमें मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश में एक कहावत है, ईगो इज द 3-letter word विच कैन ब्रेक द बिग रिलेशनशिप वर्ड। ईगो जो है छोटा शब्द है लेकिन ये बड़ा जो रिश्ता है उस पर दरार ला देता है, और नीतीश कुमार के साथ एक ईगो आके बैठ गया है कि हमने जब एक नीतीश कुमार ने जो फैसला ले लिया है उसको कभी तोड़ेंगे नहीं, उसके लिए तमाम महिलाओं को विधवा बना देंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने शराब बंदी इसलिए किया है कि महिलाएं खुश रहेगी। किस प्रकार की खुश रहेंगी, देखिए किस तरह से खुश है, देखिए एक एक मिनट पे इनका हिचकिया आ रही है, दांत लग जा रही है, अभी इनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं। कितने कब ये हुआ? एगो 5 साल के बाबू है, बबनी 1.5 साल के। अच्छा हाँ हाँ धीरे 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 रोजो पी क्या? नहीं आप नहीं पीता था, गाड़ी चलाने जा रहे तभी पीता था, आप नहीं पीता था सर, नहीं सर आप। तो आपका पालन पोषण कैसे होगा, कौन देखेगा? मेरा पास कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। सास ससुर? मेरे पास कोई नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि इनका ना कोई सास ससुर है, पिता भी नहीं है, इनकी माँ भी विधवा है, पिता भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, देवर भी नहीं है, कोई नहीं है, ये पूरा परिवार अनाथ है। ये नन्ना बच्चा है जिसकी उम्र लम्बा 2.5 साल की होगी और ये जो रो रहे हैं बिलख रहे हैं क्योंकि इनके पिता इस दुनिया से चले गए हैं, और इस मासूम बच्चा को ये भी नहीं पता होगा कि इसके पापा कहाँ चले गए, इसको ये भी नहीं पता होगा कि इसके पापा कहाँ चले गए, और सिर्फ किसके वजह से, तो जहरीली शराब का टांडव छपरा में लगातार हमने आज 2 दिन से कवरेज दिखा रही है, मामला 12 तारीख से ही चल रहा है लेकिन आज भी टांडव जारी है। को भी तो खेतो नहीं खे सर, जे वो बेच के बाबू हमार पोसी है, कुछ नहीं खे, कमाई है तो खोई है ना तो ना खोई है। केंगो भौवे उमे को अभी तो का हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, ड्राइवर बोला था कि वो बोला था कि तुम्हारा पप्पी पति ने गाज पिगड़ा है, तो हम अकेले गए थे उधर, मैं खोजते खोजते गए थे, कोई मेरे पास नहीं गया था, बाद में उसी का ड्राइवर का घर के लोग गए थे हमको बोला, हाँ वो लेकर गए आधा रास्ता में, जो हॉस्पिटल में गए थे तो दो बार बोला, उसके बाद मेरे बेटी को गोदी में ले आओ,
कुछ भी नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। अंतिम बात भी आपसे नहीं कहा कुछ नहीं किया है, हमसे कुछ भी नहीं किया था, नहीं हुआ था। बस मेरा बेटी को काली गोदी में ऐसे पकड़ा और उसके बाद काली गाय की रिंकू अब दुनिया से जा रहा हूँ। ऐसे अक्सर फिल्मों में होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के वजह से ये जो दृश्य है अब पूरा छपरा में नजर आ रहा है। कुछ और लोग हैं यहाँ के, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि छपरा शराब कांड यानी जहरीली शराब कांड में एक ऐसा परिवार जो पूरा अनाथ हो चुका है, ना ससुर है, ना सास है, ना देवर है, अब एक पति था जो कमाता था, खिलाता था, लेकिन वो भी उस दुनिया से चला गया। शराब मिले ला चाचा यहाँ? शराब मिले ला कहाँ है, आप कहाँ से पियले रहे थे मालूम नहीं थे। नीतीश कुमार के का कहें? नीतीश कुमार तो बेकार बार है, कैसे गांजा पी के मस्त रह ला, और कैसे दूसरों को कामे का बा, गांजा पी लिया तो जौन मन करे तो बक दी है। मैंने बताई अगर जहाँ शराब बंद नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता नहीं, वो बंद का करी है, वो प्रशासन के अपना ऑर्डर दिले बार है, ओकरा से माल ले लो, ओकरा के छोड़ दो। हाँ तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग के संपत्ति जांच करा लियो तो कितना पैसा हो ये लोग? बहुत हो ये लोग का लगे, संपत्ति का कम बा, मशक प्रशासन का लगे कमती पैसा बा, सब राजा हो गई बड़े सब शराब से, शराब से सब शराब से, सब प्रशासन पैसा उठा के यहाँ पे चौकीदार आते हैं पैसा लेने के लिए, शराब बेचते हैं लोग तो। अच्छा शराब माफिया से? हाँ, हाल चौकीदार है कि यहाँ के जोजौली का है, वो सब आके लेते हैं लोग पैसा, हाल घरे घरे जाके पैसा लेते हैं। अभी पीते हैं? नहीं, चेहरा तो बता रहा है, नहीं पीते हैं हम लोग, पीजिएगा मत, नहीं पीते हैं, अच्छी बात है, पीजिएगा मत, पीजिएगा तो देख रहे हैं आपके मशरख में कैसे टंडो है शराब। हाँ हम लोग पीते नहीं है, बाकी हम देखे हैं कि हर चौकीदार आते हैं घर घर जाके पैसा लेते हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ आखिरी में, कि अब तक इस साल शराब जहरीली शराब की वजह से 200 लोगों की जान जा चुकी है, और ये आंकड़ा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आज भी एक गांव से 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी बीमार हो रहे हैं, और वो वजह क्या है, वही जहरीली जो कि 12 तारीख से ये लगातार चल रहा है, है ना हो? हाँ जी। रुआ गांव से को आदमी बीमार? 4 आदमी। 4 आदमी? जी जी। को आदमी मर गई? 4 आदमी मर गए। 4 आदमी मर गए? 4 आदमी बीमार? हाँ। अभी हॉस्पिटल में जा रहा बोलो। हाँ अभी कोई गिनती नहीं है जो कितना आदमी जाएगा। फिलहाल मैं यही खबर आपको मशरख से दिखा रहा था, ये गांव था दुर्गौली। दुर्गौली में 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, 4 लोग अभी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। जय हिंद।